ये जो बेबसी है, ये गवर्नमेंट की बेबसी है, ये सरकार फेल हो चुकी है। लोग मजदूर पलायन अपने गांव में कर रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा है, कोई ट्रकों में भर भर के जा रहे हैं। जो अनलीगल पद्धति से हो, अनलीगल पद्धति से जा रहा है, ये सरकार को कोई नींद से जागी हुई नहीं है। ये लोग इनके मौत के अगर कोरोना से बाद में मरेंगे, उसके पहला तो ये लोग बेबसी से, धूप से, भूखमरी से और इससे मरेंगे। ये सरकार महाराष्ट्र की पूरी फेल हो चुकी है। ये ना कुछ कर रहे हैं, ना गाड़ी यहाँ से ट्रेन भेज रहे हैं, ना बस भेज रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। और लोगों को उत्साह कर रहे हैं कि तुम मर जाओ, तुम्हारे साथ में सरकार नहीं है। और सर देखा जाए कि जहाँ ना केंद्र सरकार ने ये बोला था कि हर अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपये आएंगे खाते में, लेकिन आज तक तो 2 हज़ार रुपये अकाउंट में तो आए नहीं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अभी ये जो हम आपके माध्यम से मालूम पड़ रहा है कि 2,000 रुपया केंद्र सरकार ने देने की बात की थी कि हर खाते में 2,000 देंगे। मैंने भी जानकारी ली है कि बाबा आए नहीं है, तो उसका पाठ पूरा हो करके कैसा आ सके, वो लोगों को कैसे राहत मिले, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को दिलासा देने के लिए केंद्र और राज्य ने काम करना चाहिए। वो केंद्र और राज्य के बीच में बहुत बड़ी दूरी हुई है और वो दोनों बेबस हुए हैं, और ये उनके ऊपर थोप रहा है, उनके ऊपर थोप रहा है, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट तो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। देखा जाए जो सरकार ने बोला था 2 वक्त खाना हम देंगे, लेकिन यहाँ तक मजदूरों तक खाना तो नहीं पहुँचा, लेकिन यहाँ तक तो देखने को मिल रहा है कि भिवंडी बाईपास पे रोज ट्रकों में ट्रक भर के जा रहे हैं, अपने खाने पीने के बच्चों को लेकर भी यहाँ से निकल रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये जो गवर्नमेंट ने कहा था कि हम खाना देंगे, एक दाना भी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया। ये पूरा जो समाज सेवा जो करने वाले लोग हैं, पानी कोई दे रहा है, खाना कोई दे रहा है, जो लोग पैदल जा रहे हैं उनको मदद कर रहे हैं, ये पूरे सामाजिक संस्था कर रही है। ये गवर्नमेंट फेल हो चुकी है, कुछ नहीं कर रही है। लोग मरने के लिए बेताब हुए हैं और इसकी पूरी जिम्मेदारी इस गवर्नमेंट के ऊपर रहेगी। औरंगाबाद के ऊपर 16 मजदूर मर गए, जो गाड़ी ने कुचल के मार दिया, इसकी भी जिम्मेदारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट है। देखा जाए कि गवर्नमेंट सरकार ने ये भी कहा था कि अपने घरों में रहें, कहीं जाइए मत, लेकिन आज हर फैक्ट्रियों में ताला लग चुका है, ऐसे में मजदूर क्या करें? अभी ये लोग फैक्ट्री खोलने का भी लाइसेंस नहीं दे रहे हैं, ना ये कलेक्टर बोल रहा है डीसी के ऊपर, डीसी भी बोला कलेक्टर के ऊपर, उसके बाद में कमिश्नर के ऊपर, कोई किसी का ताल तंत्र नहीं है, कोई कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। बस तमाशा देखती हुई है सरकार बैठी हुई है। कुछ ना कुछ सरकार ने करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से विनती करता हूँ सरकार को। यहाँ तक जो बात हुई ट्रेन चालू करें, ट्रेन तो चालू हो चुकी है, लेकिन इसमें कहा गया मजदूरों से 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा, लेकिन वहाँ देखा जाए तो कल्याण या भिवंडी कहीं भी देखा जाए तो उनसे पैसा वसूली कर रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सही बात है। आपने मेरे भिवंडी से भी लखनऊ की, गोरखपुर के लिए गई, पटना के लिए गई, ये जयपुर के लिए, तो लोगों से पैसा वसूल किया है और लोगों को पैसा वसूल करके लोगों को भेजा, फ्री में कोई भेज रहा नहीं। तो ये राज्य और केंद्र की दोनों की जिम्मेदारी है। और उत्तर भारतीय बिहारी जो समाज इधर भिवंडी में और पूरे बम्बई रीजन में ज़्यादा एमएमआरडी सीजन में, तो उनको भेजने का ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी लगा के उनको भेजने का प्रोविजन करें। मोदी जी कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, ये क्या अच्छे दिन है? अभी मोदी जी ने कहा है अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अभी आप देखेंगे क्या, अभी लोग तो बेहाल है। बेहाल मतलब लोगों की परेशानी हमको देखा नहीं जाता है, हमारे आँख से आंसू निकल रहा है। लेकिन आज बेबसी होने के कारण मोदी जी से भी विनती है कि आप भी जरा उसके ऊपर ध्यान देके, मजदूर जो पलायन कर रहे हैं उसके ऊपर आप ध्यान देके, उनको यहाँ से भिवंडी से, मुंबई से लेके, मुंबई रीजन से लेके उठाने का काम करो और उनके गांव तक पहुँचाओ। जो मजदूर आप प्लान चालू है, जो मजदूर अपने अपने घरों में, इसकी गलतियां किसमें है, सरकार की या केंद्र सरकार? सरकार की, महाराष्ट्र सरकार की, महाराष्ट्र सरकार ने उनको रेलवे मंत्री को देना चाहिए था कि भाई इतनी गाड़ियां भेजो, तो केंद्र उनको भेजने को तैयार था, ऐसा मालूम मैंने किया है। और यहाँ के जो सरकार में बैठे हुए इनका कुछ ताल तंत्र नहीं है, ना पुलिस महकमा केंद्र, महसूल के ऊपर, महसूल केंद्र इसके ऊपर, सब पूछ विफल हो चुकी है सरकार। महाराष्ट्र गवर्नमेंट कुछ काम नहीं कर रही है।